एक मिनट, ओ बंद करो, बंद बंद कर दे यार, बंद कर दो, दिमाग खराब है आपका। हेलो, भागो यहाँ से, उठो उठो, अरे उठो। अर्चना जी, आपको पता है क्या होगा बार? आपको किसी ने बताया नहीं, यहाँ पे हंगामा होने वाला है। अरे जिन जिन की हमने बेइज्जती की ना एक्टरों की, वो वहाँ पे हमें मारने के लिए आ रहे हैं वो। अरे भागो यहाँ से। अर्चना जी, सच्ची बताऊँ, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। रास्ते मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं आपको बताऊँ। एक बंदे ने मेरे से गले से पकड़ लिया। कौन है तू? कौन है? कहता मैं राहुल रॉय। मैं कह सर आप इतने बड़े स्टार ये पंचर लगाते हो? कहता मैं इतना बड़ा स्टार पंचर लगाऊंगा? मैं सिर्फ यहाँ पे काम करता हूँ। असली मालिक तो चंकी साहब है, पांडे साहब। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से जान छुड़ा के भागा बड़ी देर। सर आप वही है ना, वो जिन्होंने गिटार पकड़ी हुई है? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम, लगता है मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं वो हूँ। अच्छा अच्छा, सांसों की मतलब दमे की प्रॉब्लम। अरे क्या बकवास कर रहा है, अरे बालों से पहचान बे। राहुल रॉय। राहुल रॉय, किसी के पास पेन है? एक कागज दो मेरे को प्लीज सर, प्लीज एक ऑटोग्राफ ले लो सर, मेरा ऑटोग्राफ, फिर आपको पता नहीं मौका मिले कि ना मिले। ले लो, रख लो, रख लो। अबे क्या बकवास कर रहा है, राहुल रॉय, असली राहुल रॉय। आपके बाल मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। आपको एक आइडिया दूं? हाँ। अपने बालों का नाम रख लो करियर, कम से कम कुछ तो बढ़े। बकवास बंद कर, मैं बहुत शो देखता हूँ, मेरा कितना नाम लेते रहते हो तुम लोग। हेलो, मैं सब जानता हूँ कृष्णा, राहुल रॉय बन के आए हो नकली। उन्होंने कई बार नकली राहुल रॉय देखा है। अबे हट, उन्होंने कभी असली नहीं देखा, नकली क्या देखेंगे। तू और कृष्णा मिलके मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं शो के अंदर। हमने क्या किया? हमने कभी पंच भी नहीं मारा आप पे। क्या बकवास करते, 15 से 18 पंच मारते हो हर एक एपिसोड में। ओ, फिर आपने सिर्फ कृष्णा और सुदेश का ही एक्ट देखा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप सबके एक्ट देखे ना, तो हमारा जो राज है ना राइटर, वो 100-150 पंच तो आप पे रोज मारता है। बकवास बंद कर, साला तुम लोग की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो गई मालूम है? मेरी गर्लफ्रेंड उस दिन कॉमेडी सर्कस देख के छोड़ के भाग गई, वेटर से शादी कर ली उसने। सर मुझे तरस आ गया। ये लो सर, 100 रुपया रख लो प्लीज। थैंक यू यार। अच्छा, महीने भर का रेंट निकल जाएगा मेरा। सर क्या बात कर रहे हो, जाओ, हम आपकी बेइज्जती कभी नहीं करेंगे, जाओ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। एक मिनट रुको यार। हाँ जी। ऐसा मत करो यार, थोड़ी बहुत कर लिया करो। यार ये कैसा बंदा, अभी कह रहा है मत करो, अभी कर लिया करो। प्रॉब्लम पता है क्या, अभी तुम लोग थोड़ी बहुत बेइज्जती करते हो, मेरा नाम लेते हो। हाँ। आजकल स्कूल के एनुअल फंक्शन में मुझे बहुत चीफ गेस्ट बुलाते हो। आपको? हाँ। बच्चों के शो में? हाँ। क्या करते हो वहाँ पे? मैं मिकी माउस बनता हूँ वहाँ पे। यार कमाल है तुम्हें। अबे मैं तो कुछ भी नहीं, उदय खोपड़ा है ना। हाँ। वो तो मास्क लगा के डोनाल्ड डक भी बनता है। ये मान ही नहीं सकता मैं। क्यों? उनको मास्क की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही फनी लगते हैं। कमाल कर रहे हो। अच्छा भाई साहब। हाँ जी। ये अंधेरी स्टेशन की बस कहाँ मिलेगी? इतने बड़े स्टार, आप बस में जाओगे? अबे पागल, बस में थोड़ी जाऊंगा। हाँ। मैं पता लगाऊंगा कहाँ जा रही है, पीछे साइकिल दौड़ाऊंगा। अर्चना जी आपको सच्ची बताऊं, मैं चाहे आपकी कितनी भी कॉमेडी में बेइज्जती कर लूं, तो मैं क्यूटली करता हूं। और बात है, जब कोई बेइज्जती करता है मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपकी कोई बेइज्जती करे, क्योंकि प्रॉपर बेइज्जती नहीं करते। सोहेल जी, अगर आपकी इजाजत हो, देखो टाइम बहुत हो गया, आपको पता है नींद बहुत आ रही। मैं 10 मिनट सो जाऊं। हाँ। इजाजत दो। हाँ। देख लो, मैं इजाजत मांग रहा हूँ, आप मांगते भी नहीं सो जाते हो। हमने कभी मना नहीं किया। अर्चना जी आप जाग रहे हो ना? जाग रहे हो? एक मिनट, परमीत जी वो भी जाग रहे हैं, किसी को बुलाना नहीं। ओके। सर जी, हमने कभी आपकी बेइज्जती की नहीं, आप क्यों आ गए यहाँ पे? तो बिड़ू कभी तो किया कर। मैं इसलिए आया यार। आए सोहेल भाई, आए। बच्चा कैसा है? बच्चा आए अर्चू, कैसी जान? वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। आए रोशनी, कैसा बच्चा? बाद में दिखाना मेरे को।
बोलो लोग मेरे को पता चला यार तुम लोग कोई बेइज्जती नहीं कर रहे यार। नहीं सर हम आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते सर। कुछ करो यार कुछ बने अपन का यार। नहीं सर नहीं हम तो जा रहे हैं सर। नहीं नहीं किधर 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 ना ना सर अभी क्या है इधर अपना कुछ नाम विम लो यार थोड़ा अपन के आजकल वो चंदी सुधा आजकल चूरन बेच रहे सोनी टीवी पे तेल बहुत बढ़िया तेल है आप लोग। Stop laughing yourself. ओ बहुत बढ़िया तेल। अरे बड़े लोग चंदी सुधा बहुत बढ़िया तेल है तुम लोग लगाने का अपुन भी लगाता है बहुत बढ़िया तेल है और उसका बहुत फायदा होता है बहुत इंटरनेशनली यूज हो रहा है बड़ू सोहेल बच्चन आइडिया उसका आपको डेमो दिखाते हैं हम लोग सुषमा सेठ है 60 साल की है वो ये तेल बहुत लगाया उन्होंने उनको आँख का प्रॉब्लम था आंधी हो गई थी वो आंधी हो अपुन बोला यार बड़ू तुम लगाओ तेल एक मिनट देख लो अपुन का पर्सनल टेप लग गया सर सर अभी लगा है सुषमा जी मैं जाती थी मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी पहले आंखों की पहले आंखें मेरी ऐसे थी लेकिन अब बड़ी कृपा हो गई है जब से मैं ये चंदी ये शुदा तेल लगाया ना आंखों में अब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं बीड़ू दादा की कृपा हुई है मैं तो बहुत अब एक मिनट ठीक हो गई हूँ ठीक बोला हाँ बड़ू ठीक है अब मैं जहाँ जाती लोग मुझे हीरोइन कहते वो देखो पूजा भट जा रही बड़ू लोग ये फिल्म लाइन में बड़ू लोग बहुत तेज आई सो ले अपुन भी यूज करता है सबको मालूम है सर जी ये सर सर सर, सर मैं लेट हो गए ये हमारा फिल्म लाइन का बहुत सारे वेले लोग हैं ये अनिल नागरज जी ये इनको घुटने का बहुत प्रॉब्लम था इतना प्रॉब्लम मैं बोला बेड़ू ये लगाने का ये तेल में बहुत घुटना एकदम ठीक हो जाएगा बेड़ू अनिल नागरज बहुत सुना हमारा बात और इसने लगाया तेल कैसा लग रहा है अनिल जी सबको बताओ बेड़ू लोग को ये आपको क्या फायदा हुआ चंदी सुधा से बड़ी कृपा हुई है जब से तेल मैंने यूज किया है नहीं तो मैं इतना परेशान था पहले आप यकीन नहीं करेंगे मैं ऐसे चलता था आप तेल की लगाया बड़ी कृपा बीड़ू दादा कोई बात नहीं कोई बात नहीं अच्छा बैठो बैठो अपुन ये तेल बेचा इतना फायदा हो गया अपुन का बच्चा लोग बोलता है कि पापा के साथ जैकी पापा के साथ खाना खाएगा लेकिन अपुन का बीवी बोला नहीं तुम लोग जाके सो जाओ तुम्हारा बाप गया तेल लेने तो सब लोग यूज करेगा संजीव सुधा सब लोग लगाने का क्या बड़े लोग तुम लोग सबके काम सोहेल बच्चा सबका अर्चना लव यू टू बच्चा बाद में दिखाना तू थैंक यू वेरी मच थैंक यू बड़ो आपके पास आ रही हूँ आज शूटिंग पर आने से पहले मेरी कमर में बहुत बुरा दर्द था अब तुम बदमाशों ने मेरे पेट में भी दर्द करवा दिया मतलब तुम दोनों अभी क्या बोलूं मैं बेमिसाल जोड़ी हो और बाकी सारी जोड़ियां गई तेल लेने वेरी नाइस फैबुलस और सुहेल बीड़ू मैंने जैकी दादा के साथ काम किया
हमने साथ में किसान की थी. आई कैन आइडेंटिफाई विथ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग बिकॉज जग्गू दादा इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन पीपल इन द इंडस्ट्री. मतलब अगर लोग उनसे एक्चुअली डरते हैं बिकॉज ही इज केपेबल ऑफ सेइंग एनीथिंग टू एनीबॉडी. उनसे ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी और बोलते ना बिंदास बिड़ू आज तक मैंने जिंदगी में अपने नहीं देखा है. सो टुडे जो आप कर रहे थे एंड द वे यू आर ड्रेसिंग एवरीबॉडी जब आप सबसे मतलब यू नो फ्रॉम रोशनी टू अर्चना मैम टू मी टू एवरीबॉडी कृष्णा यू आर फैबुलस एज जैकी दादा एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीपल इन द वर्ल्ड. और आपने जो अनिल नागरथ किया है जो आपका जो एक मूवमेंट था वो जो आप उठे हो कुर्सी से आप 10 ही ले लो यार. थैंक यू सर. परफेक्ट स्कोर. नहीं आप लोग यूज्ड हो गए हैं इसके. बिल्कुल यूज्ड हो गए हैं. फिर भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कृष्णा और सुरेश के लिए. प्यार किया का मासूम प्यार लेकर आ रहे हैं सुगंधा एज भाग्यश्री एंड राजीव एज वेरियस कैरेक्टर. जानती जी आंटी जी होता है होता है. ये कबूतर जाके चिट्ठी देकर आना. अरे ये किसको चिट्ठी दे दी. अर्चना जी ये कबूतर जब से मेरी जिंदगी में आया है तब से तो बस मेरे ऐसे ही तोते उड़ा रहा है. एक बार मैंने 20 साल पहले इसको प्यार में कहा था कबूतर जा जा जा. इसने पता नहीं किस मूड में मुझे कह दिया भाग्यश्री जा जा जा. तब से जो मैं गई हूँ उसके बाद इंडस्ट्री में वापस आई नहीं. बिल्कुल सही बात है. मैंने तो फिर भी गुस्से में कहा था ना कि भाग्यश्री जा जा जा. इसने तो प्यार से मुझे कहा कि कबूतर जा जा जा. इतनी मनहूस मुझे भी आज तक कभी काम नहीं मिला दोबारा. जान जी कबूतर जी होता है अब मेरे दुख भरे दिन गए. क्यों? क्योंकि अब कॉमेडी सर्कस में मेरी बेइज्जती भी शुरू हो गई है. कौन जानता था चंकी पांडे को राहुल रॉय को अर्चना जी को. सही बात है. वरना आज भी इसने वीजा लगवाना होता है ना तो इसको पासपोर्ट के साथ मैंने प्यार किया की डीवीडी देनी पड़ती है. फिर कहीं जाकर अलोकनाथ का वीजा लग जाता है इसका फिर भी नहीं लगता वीजा. इसने तो कितने लोगों का करियर तबाह किया पता है. 35 साल के सिर्फ 35 साल के अलोकनाथ को इसके बाप का रोल करना पड़ा था. इतना अच्छा रोल तो किया था उन्होंने और कौन करता मेरे बाप का रोल. हाँ बाप का रोल तो अच्छा किया था क्योंकि वो लगते ही बाप है. बचपन से ही बाप लगते हैं. वो तो पैदा हुए तो नर्स ने आके कहा था मुबारक हो आपके घर में बाप पैदा हुआ है. देखिए तमीज से बात कीजिए. और हाँ जो चिट्ठी है ना जाकर सलमान खान को देकर आना. पिछली बार किसी गलत एड्रेस पर दे आया था और खामखा हमें नुकसान भुगतना पड़ा था. अच्छा जी तुम्हें नुकसान हुआ लेकिन जिनको फायदा हुआ गलत एड्रेस का. परमीत की चिट्ठी मैंने गलत एड्रेस पे दी. जिस गलत एड्रेस पे दी उसी लड़की ने परमीत से शादी कर ली. नहीं नहीं वो किसी लड़की के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी. उसमें एक्चुअली बनिए का बिल था. अर्चना ने देखा इतना राशन जिसके घर में इतना राशन जाता है मेरी शादी उसी से होगी उसी से होगी उसी से होगी. वैसे आप देख रहे हैं हमारे प्रोडक्शन वालों का हाल. कबूतर कम साइबेरिया का सांड ज्यादा लग रहा है. अरे ठाकुर चला गया यानी कि स्टैंड अप मुझे करना पड़ेगा. कोई हमसे नाराज है. हाँ बात नहीं करेंगे हमसे. अभी मूड नहीं है. तो हम ऐसी बात करें जिससे आपका मूड बन जाए. I love. I love what? अभी मूड नहीं है. I love what? I love. I love Sohail. छोटे अगर आए तो यहाँ जज ना होता ना तो इसको मैं बहुत थप्पड़ मारता पता. एक बात बताइए आप तो ठाकुर है लेकिन हर परफॉर्मेंस में आप सोहेल जी के रिश्तेदार बनके क्यों आ जाते हैं. कभी उनके भाई कभी उनके पापा. सही है. फाइनल के लिए सिर्फ 7 एपिसोड बचे हैं और मैंने इनके 7 रिश्तेदार चुनकर रखे हुए. लेकिन फिनाले तो 8वें एपिसोड में है ना. तो वो कौन सा मैंने जीतना होता. कर दी ना छोटी बात. तोड़ दिया ना दिल. यही करते रहना तुम. नहीं 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 इस बार मैं फिनाले जीतूंगा.
पर कैसे? तुम्हें तो कोई कैरेक्टर भी करना नहीं आता। सीखूंगा। अच्छा, तुम्हें तो किसी की मिमिक्री भी नहीं आती। सीखूंगा। तुम्हें तो गाना भी नहीं आता। सीखूंगा। और तो और, तुम्हें तो स्टैंड अप भी नहीं आता। मैं थप्पड़ मारना तेरे को रख के, वही तो मुझे आता है। पिछली बार जो 9 नंबर मिले तेरी फूफी और तेरे फूफा ने ना, मुझे उसी के लिए दिए थे। लेकिन अकेले स्टैंड अप करके आप एलिमिनेशन से बच नहीं सकते। आज तो बचूंगा, बड़ा भाई आया, क्यों छोटे? ये तो आपने सही कहा, इसी बात पे एक गाना रिदम। लेकिन मैं बताऊंगा कि ये एक्ट नहीं था, हमारा ट्रिब्यूट था उस महान फिल्म के लिए जिसने बड़े बड़े सुपरस्टार्स पैदा किए, सलमान खान, आलोक नाथ, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेर्डे। और मैं? कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। आप बताइए सोहेल जी, गलती हुई कोई? थैंक यू सोहेल। और शुड आई से छोटे? लगता है इनको आपकी फैमिली से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। पहले शुरू करेंगे सुगंधा से। आज आपने भाग्यश्री किया है, आप में इमेंस टैलेंट है एज अ सिंगर। आप मिमिक्री करती हो, बहुत बहुत ही बेहतरीन मिमिक्री करती हो। और जो आप आए मेरे भाई राजीव, आई थिंक जब सलमान भाई पैदा हुए थे तो आपके साइज के पैदा हुए थे। आपने बहुत ही बेहतरीन किया, इनफैक्ट इट इज वेरी इंडियरिंग। और मुझे ये बात बहुत पसंद आती है, दैट इज लवली इन कॉमेडी सर्किस, का कोई एजेंडा नहीं है क्या हम इस पे यू नो इसके पीछे लगेंगे या उसके पीछे लगेंगे। इट इज जनरल क्या पूरी इंडस्ट्री के ऊपर या पर्सनैलिटीज के ऊपर हम उनको ट्रिब्यूट देते हैं। सो आई थिंक इट इज ग्रेट दैट आपने पिछली बार अपने डैड किया था, आज आप सलमान भाई करो। पता नहीं अभी और किसका। आपने मेरी माँ को देखा है? नहीं 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 देखा ना, डर गया। You guys are fabulous, sir. Fabulous, a very entertaining actor. इतनी बाबाई के बाद मार्क्स भी हो जाए प्लीज। 10 पॉइंट्स। अर्चना, जैसा सोहेल ने भी कहा कि हमारा इंटेंशन इज ओनली टू पे अ ट्रिब्यूट या फिर थोड़ी हंसी मजाक, नॉट टू ऑफेंड एनीबडी। सुगंधा, आपने बहुत प्यारे तरीके से भाग्यश्री किया है, वो वाकई में इतनी जेंटल है, इतनी स्वीटली बात करती हैं, और जब वो चिल्लाती भी हैं तो उनकी आवाज़ इतनी सी ऊँची आती है। एंड द फैक्ट दैट आपने सलमान करने की कोशिश की, वो अपने आप में ही एक्ट है। सो बट नाइसली डन। थैंक यू। चलिए तो अर्चना जी, आपके नंबर्स दे दीजिए, कितने मार्क्स देंगी आप इन्हें? इससे कम तो नहीं दे सकती। 9 पॉइंट। Welcome Siddharth as kidnapper and Bharti as Guppy Lahiri. मैं हूँ डाकू हसीना, जिन्होंने निकाला सबका पसीना। बहुत बड़ी किडनैपर हूँ मैं। हाँ, उस दिन तो मैंने अर्चना जी को किडनैप किया था और प्रोड्यूसर को फोन किया, 1 करोड़ दो नहीं तो छोड़ेंगे नहीं उनको। तो प्रोड्यूसर ने उल्टा मुझे फोन किया, 1 करोड़ मिल जाएंगे लेकिन उनको छोड़ना नहीं क्योंकि मेरे को उनको 4 करोड़ देने हैं। जयपुर की महारानी को किडनैप करने वाली हूँ मैं। हाँ, बहुत गहने पहने उसने, ऐसा मैंने सुना है। अभी मेरे आदमी लोग उसको लेके आने वाले होंगे। किधर गए हो? ए लड़की बाहर निकल। हेलो, बाहर निकल दुल्हन, मैंने तेरा किडनैप किया है, बाहर निकल। ए क्या खरा खरा बकवास करता है क्या? ए खुद का शक्ल देख कितना भयंकर औरत है। इस औरत को अगर डीओ मारो ना, बदबू फिर आना शुरू होता है इससे। ए बकवास मत कर, मैं बहुत बड़ी किडनैपर हूँ। पिछले हफ्ते तो मैंने सोहेल खान को किडनैप किया था। फिर क्या, ये दांतों में गैप देख रही है? हाँ, ये बचपन से नहीं है। क्या बात करता है तू? अरे बात भी छोड़, चल कपड़े निकाल। मेरा मतलब है गहने निकाल। अरे क्यों ऐसे शर्माती है? तू भी औरत, मैं भी औरत, कपड़े निकाल, चल जल्दी। ए, क्या बकवास करता है? हम औरत नहीं, मर जाए। ए, तुम लोग का इधर कॉमेडी सर्कल में ऐसा ही कॉमेडी होता है क्या? उस बेचारा औरत को बार बार मौत मौत कहता रहता है, हाँ? और हम देखो, हम मर जाए और हमको औरत औरत कह रहा है। कौन है तू? ए, मैं कपिल लहरी, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है। ए, मेरे को थोड़ा कोट दे नीचे से। आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर। ये मेरा मशहूर गाना है। तू इधर क्या कर रहा है फिर? ए, मैं इधर देखने आया कि तुम लोग सब लोग काम ठीक कर रहा है कि नहीं। नहीं, मैंने बच्चे लोग को जयपुर की महारानी के इधर भेजा था अलग लोग उठाने के लिए, तेरे को उठा लेके आया। ए, जयपुर की महारानी की शादी में हम गया था उधर, फिर लेकिन रानी से ज्यादा हम लोग गहना पहना, उन्होंने हमको दुल्हन समझ के चुरा लिया। ए, ज्यादा बकवास मत कर,
चल जल्दी तेरा नंबर बता, तेरे घर पे मेरे को फोन करके फिरौती मांगनी है। घर वालों से पैसे मांगने? हाँ। घर वालों के पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, फिर उनके सब पैसे का गहना तो हम डाल के बैठा है। अच्छा फिर एक काम कर, 2 लाख रुपए दे मेरे को, चल जल्दी। ओहो तेरे को 2 लाख चाहिए? हाँ। तो इसमें से कोई भी छोटा वाला गहना ले ले। तो छोटा वाला गहना? छोटा वाला गहना भी 3 किलो का होगा तेरा। अरे हम लोग ऐसा ही खाते पीते घर का है, सोना बहुत लाइक करता है। हाँ। अब तो हम चाय में डुबो डुबो के सोना का बिस्किट खाता है। हाँ। हाँ। और अब तो हमने स्टूडियो में एक लड़का भी रखा है। अच्छा चाय बनाने के लिए? अरे नहीं नहीं चाय तो हम बनाता है, वो म्यूजिक बना के देता है हमको। अर्चना जी ये म्यूजिक नहीं बनाते? ए क्या बकवास कर रहा है, और हमारा आइटम अर्चना को बार बार क्यों बीच में लाता है? आइटम कब से पुराना जानता है अर्चना, वो मुलाकात आज भी याद है जो फिल्म के लिए मीटिंग में मिला था हम तुमको पहला। अच्छा आपने म्यूजिक किया था? नहीं नहीं हम उधर बैठा था, ये मीटिंग के लिए आई, हमको बीन बैग समझ के हमारा ऊपर बैठ गई। ये काहे का मीटिंग है? अरे ये मुलाकात तो कुछ भी नहीं, सोहेल का मुलाकात सोचता है तो हमारा पेट डर के मारे ऐसे ऐसे कांपने लगता है। क्या हुआ? अरे ये अपने बोचे के साथ खिलौना वाला दुकान में था। हाँ। तो इसका बच्चा रोना लग गया, पापा महंगा वाला खिलौना लेना, महंगा वाला खिलौना लेना। मैंने कहा सुहेल बच्चे को महंगा वाला खिलौना ले दे, तो 4 आदमी मेरा लोग पैकिंग करना शुरू हो गया। बहुत मुश्किल से वह एक माला से छलांग लगा के मैं उधर भागा, और उधर जब मैंने छलांग लगाया तो लोग चिल्लाने लग पड़े, अरे देखो आसमान से धूम तारा गिरा है, धूम तारा गिरा है। लेकिन जब मैंने उधर गाना गाया ना अपना फेमस गाना। कौन सा? ए मेरे को नीचे से कॉर्ड दे थोड़ा। अच्छा बहुत अच्छा, मेरे लिए परफॉर्मेंस करेगा? ए हम अकेला परफॉर्मेंस नहीं करता, फिर हमारा साथ में जोड़ी मांगता है, जोड़ी में परफॉर्मेंस करता है। चल अब मेरा परफॉर्मेंस में साथ दे, चल चल। अरे क्या मोस्ट डांस करता है, अब तुम लोग बताओ हम लोग का एक्ट ऐसा लगा कि तुम लोग को मोस्ट लगा। तो सोहेल जी आप ही बताइए कैसा लगा आपको इनका एक्ट? थोड़ा सा मतलब ऑफ सिंक था स्क्रिप्ट में, थोड़ी सी मतलब एक थोड़ी सी मिस भी हुई आपसे। अगर मैं आप लोगों को पॉइंट्स दूंगा, आई नॉट कंपेयर यू टू द अदर कंटेस्टेंट्स, लेकिन मैं आप ही के हिसाब से जो आपने पहला अच्छा काम किया हुआ है और आज आपने काम किया, तो मैं उस हिसाब से आपको पॉइंट्स दूंगा। अर्चना जी मैंने आपका गप्पीदा पहले देखा है और वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर था, और एक इनकम्प्लीटनेस थी एफर्ट में, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर सकता है। थैंक यू। मार्क्स देख लिए जाए सुहेल? क्योंकि मैंने आप लोगों से बहुत बेहतर देखा है इसलिए 8 पॉइंट्स। अर्चना जी 8 पॉइंट। थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम कपिल एज राइटर एंड श्वेता एज प्रोड्यूसर एक्ट्रेस। और बनो जज। फोन करनो जरा। हेलो जी राइटर बोल रहा हूँ। जी आमिर खान से बात हो सकती है क्या? कहा हो सकती है? तो उसको बोलना मेरे को परसों फोन करे, आज थोड़ा बिजी हूँ मैं। चलो ठीक है ओके। सोहेल भाई पहचाना मेरे को कि नहीं? मैंने आपको एक बार स्क्रिप्ट सुनाई थी, आपने कितनी गालियाँ दी थी मेरे को, कहते निकल जा दफा जा मारूंगा तेरे को, इतनी घटिया स्क्रिप्ट। मैं 2 दिन तक रोता रहा पता है, 2 दिन तक रोता रहा। तीसरे दिन बाहर निकला देखा किसान के पोस्टर लगे हुए हैं, अगर रिलीज करनी थी तो मेरे को क्यों गालियां दी फिर? आज मैं यहाँ पे एक एक्ट्रेस कम प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट सुनाने आया हूँ। ये लड़कियों को स्क्रिप्ट सुनाना इतना गंदा काम है, इनको समझ में नहीं आता लड़कियों को, इतना दिमाग ऐसा होता है ना। मैंने एक लड़की को स्क्रिप्ट सुनाई, एक ही लाइन सुनी भड़क गई, उबासियां लेने लगी, कहती मेरी बात सुनी इंटरवल कब? मैंने कहा 1.5 घंटे बाद। मेरे को गालियां देने लगी, मैं कहता तेरा दिमाग खराब है, पूरी स्क्रिप्ट तो सुन ली निकाल दिया। फिर मैं एक और लड़की के पास गया, वो भी प्रोड्यूसर थी कम एक्ट्रेस, इतनी शानी निकली ना, मैंने एक ही लाइन सुनाई, कहती मुंशी प्रेमचंद है ना। मैंने उसी टाइम क्रिएटिविटी दिखाई, मैंने मुंशी काट के इंस्पेक्टर प्रेमचंद किया। आज मैं एक नई प्रोड्यूसर को सुनाना है, ये शायद अच्छी हो, पता नहीं क्या कह सकते ना, ये ऑफिस तो यही लगता है। हेलो अबे निकल यहाँ से, साला खुद को राइटर कहता है, ये औकात है तेरी राइटिंग की? कितनी बकवास लिखी हुई है। ए रामू सुन, तो इसकी टांग तोड़, मुंह तोड़ दे साले का, और निकाल इसका बैग, उठा उठा बैग और फेंक दे टॉयलेट में, फ्लश कर दे साला। आया राइटर, क्या बताऊं मैं आपको, 2 कौड़ी की औकात नहीं होती और आ जाते हैं राइटर बनने के लिए। राइटर बनने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, क्या स्टुपिड लोग जिनकी कोई मतलब। ए कौन है तू? प्रेग्नेंट है? आपके घर में कोई 5 साल से छोटी उम्र का बच्चा है? क्यों? हम लोग पोलियो विभाग से पोलियो की बूंदे पिलाते हैं हम लोग। चल जाए यहाँ से, यहाँ कोई 5 साल की
से छोटे उम्र का बच्चा नहीं है, चल कहीं और जा। चल ढाई ढाई के दो हैं तो बहुत बता दो। एक्चुअली क्या ना मैडम, हमें टारगेट मिलता है, पोली की बूंदे पिलानी पड़ती, नहीं पी तो शाम को छोटे के साथ हमें पीनी पड़ेगी। अरे क्या पागल है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, जा उस घर में जा जहाँ पर बच्चे हों। वैसे भी ये घर नहीं है, प्रोडक्शन हाउस है। चल क्या बात कर रही है, सही में प्रोडक्शन हाउस है। वैसे ये तो क्या होता है मैडम, तुझे जानकर क्या करना है? जनरल नॉलेज। कल को मैं कौन बनेगा करोड़पति में चला जाऊं, अमिताभ बच्चन मेरे से पूछे प्रोडक्शन उसमें क्या होता है, मेरे को जवाब ना आए तो मेरा 5 करोड़ गया। या तो मेरे को बताओ प्रोडक्शन उस क्या होता है, या फिर मेरा 5 करोड़ मेरे को दो। क्या? Just kidding. I know प्रोडक्शन उसमें क्या, यहाँ फिल्में बनती है ना। अरे वाह, तुझे तो पता है, तुझे कैसे पता चला? मैडम मैं पोले की बूंदे पिलाने से पहले राइटर होता था। क्या? हाँ जी। तू राइटर है? हाँ जी। ओ रामू काका, कुछ खाने के लिए लाना जल्दी जल्दी। क्या बात कर रही मैडम, राइटर को इतनी इज्जत दे रही है? अबे साले इज्जत नहीं दे रही, अभी कुछ दिन पहले एक राइटर आया था कहानी सुनाने के लिए, एक लाइन सुनाकर ना हाफने लगा, दो बिस्किट खाने के बाद उसके जान में जान आई, कह रहा था 8 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। व्हाट रबिश, कैसे कैसे राइटर आते हैं। अभी काम करो, पूरा पैकेट मंगा लो, एक मैगी मंगा लो, मेरा 11वां दिन है। तूने 11 दिन से कुछ नहीं खाया? अरे बाप रे, आजा आजा बैठ 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 आजा बैठ आ बैठ। मैं वॉशरूम की तरह मैडम। 11 दिन से कुछ खाया नहीं है तो बाथरूम में जाकर क्या करेगा, भुर्जी डालेगा? अब ठाकुर भी आता है ना हर हफ्ते कॉमेडी करने, कॉमेडी हो ना हो ट्राई करने तो आता है, पर करना चाहिए ट्राई। आज वैसे वॉशरूम जाना चाहिए, स्टैंडर्ड बना रहता है कि आदमी क्या। वैसे आप कौन है मैडम, आपने बताया नहीं अपने बारे में। मैं एक्ट्रेस हूँ और इस प्रोडक्शन हाउस की मालकिन, प्रोड्यूसर श्वेता तिवारी। मैं फिल्में बनाती हूँ। क्या बात कर रही, आप प्रोड्यूसर होकर फिल्में बनाती हैं? हमारा प्रोड्यूसर तो हमें चुपके से बेवकूफ बनाता रहता है। क्या बोलते हैं उसको, सीरियल बनाता है, सीरियल। कौन है तुम्हारा प्रोड्यूसर? हमारा प्रोड्यूसर वो, छोड़ो ना मैडम, मेरे पास एक बड़ी अच्छी कहानी है मैडम आपको लेके। अच्छा? आप हीरोइन हो और हीरो आएगा सलमान खान, दुनिया में कोई माइका लाल सलमान खान के अलावा ये फिल्म कर ही नहीं सकता मैं कहता हूँ। अरे लेकिन सलमान खान अगले 4 साल बिजी है। हरमन बेजा को ले लेते हैं फिर। आप छोड़ो ना मैडम, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ फिल्म की। अबे क्या पागल आदमी है, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैडम दिमाग मेरा खराब नहीं है, कमाल कर रही है, मेरे पास स्टोरी बड़ी अच्छी है आपको सुनाऊं मैं? हाँ, वैसे सुनानी क्या, आपके पास मैगजीन है इसमें आई होगी, आप पढ़ लो, तड़कता फड़क बदन बदन गर्म जवानी क्या है। देखो इसमें है तड़कता बदन भड़कती जवानी, ये आप देखिए। ये तो किसी सीक्रेट मूवी की गंदी कहानी लगती है। गंदी कहानी मतलब क्या, सीक्रेट फिल्मों में कहानी नहीं होती और गंदी फिल्मों की तो कहानी ऑलमोस्ट सेम होती है। देखो आप एक काम करते, मैं आपको नई स्टोरी सुनाता हूँ, आपने वो सुनी है, सबने सुनी है थर्स्टी क्रो, पता है एक कौवा होता है जो प्यासा है, यहाँ वहां भटकता है, फिर उसको एक मटका दिखता है जिसमें पानी होता है, उसकी चोंच नहीं पहुंचती, उसमें पत्थर डालता है और पी जाता है, ये कहानी सब जानते हैं, इसमें नया क्या है? देखो मैं आपको बात बताता हूँ, सबने यही तक कहानी सुनी है, कौवे के मुंह में पानी आता कौवा निकल जाता है, लेकिन पानी पी के कौवा जाता कहाँ आज तक किसी को नहीं पता। कहानी यही से शुरू होती है, कौवा जिस जग में पानी पीता है वो होता है गांव के जिमीदार का, अब जिमीदार के जग में से पानी पीता है कौवा, जिमीदार को इतना गुस्सा आता है, जिमीदार क्या करता है, कौवे की माँ बहन को उठा लेता है, छोटी वाली बुलबुल और बड़ी वाली चिड़िया को, कौवे को गुस्सा आता है, उसका पंजाबी खून भड़क जाता है, दारू पी के कौवा जो गाली निकालता है, कौवा बोलता है मेरे को बदला लेना है, कौवा फिर मैडम देखो हाँ मेरे को लगता है ये बदला जिमीदार गांव ये स्टोरी आजकल की ऑडियंस मजा नहीं ले पाएगी, आपको एक नई स्टोरी सुनाता हूँ मैं, आपने वो सुनी है चलाक लोमड़ी अंगूर कट्टे? सबने सुनी है। देखो मैडम अगर सुनी भी है तो क्या फर्क पड़ता है, थिएटर में लगाएंगे, थिएटर में तो अंधेरा आता है, किसी को क्या पता हम कौन सी फिल्म चला रहे हैं, आप घबराओ मत, हम चलाएंगे वो फिल्म। अबे साले तू पागल है क्या, निकल यहां से निकल। ए पागल नहीं हूं मैं, तेरा दिमाग खराब है, लास्ट वाली बातें तो अभी बोल रही है, पूरा 7 मिनट का भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे बोल रही है तू, पागल नहीं हूं मैं। अबे साले निकल या पहले कहानी सुनेगा। ए मैं नहीं जाऊंगा ऐसे, मेरे को कहानी सुना नहीं तो मेरे को नींद नहीं आती। तू है राइटर, तू यहाँ मुझे कहानी सुनाने आया था। कौन सी कहानी? ए, मेरे पास कोई कहानी नहीं है, मैं कोई तेरी दादी नहीं हूँ जी तेरे को कहानी सुनाऊंगा, तू सुना मेरे को कहानी, नहीं तो मेरे को नींद नहीं आती है। लगाओगे थप्पड़ खींच के, नींद नहीं आती, क्या करने आया तू यहाँ? मैं कहानी थोड़ी सुनने आने आया था, मैं तो ये एड्रेस पूछने आया था। एड्रेस वार्ड नंबर 303, अर्चना के बगल वाली पलंग, आगरा पागल खाना, दिल्ली, क्या? ए, अभी तो ये हम दोनों का एड्रेस है, और आधा घंटा शूटिंग चली नहीं, सबका एड्रेस ये होगा, सब पागल होने वाले हैं। और वो दोनों
बस कदम है इधर है। मुझे स्क्रिप्ट लिस्ट का कोई लेना देना नहीं है। मुझे स्क्रिप्ट मैं इधर आता हूँ एंटरटेन होने के लिए। कपिल और श्वेता आर वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग पेयर्स। एक्स टेम्पो में जो भी इनके मन में आता है वो कहते करते हंसाते, दैट इज मोर देन इनफ। एक कॉमेडी सर्किस है, दैट इज मोर देन इनफ। वाह अर्चना, आपका अंदाज, आपका एटीट्यूड एंड इवन द ह्यूमर, आपकी जो ट्रेडमार्क ह्यूमर है वो पंच लाइन आफ्टर पंच लाइन, ऐसा ही ऑलमोस्ट ये एक्ट भी था। श्वेता यूर एज ऑलवेज वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी नाइस, एंड मैं फिर से कहूँगी 5:30 बजे सुबेरे, इससे बेहतर तो कोई माइक का लाल नहीं कर सकता। वेरी नाइस। तो सुहेल आप इन्हें कितने नंबर देंगे अब? 9 points। अर्चना 9 points। क्या बोलती तू? सुन सुना, भाजी और अंडा ला। अरे की कटिंग ही छीलेंगे, मस्त ऑमलेट बना के खाएंगे और क्या। कैसे? और सोहेल यार कैसे? अरे सोहेल यार नहीं बोल सकते, बड़े लोग को ऐसे नहीं बोलते। क्या बोलूं तुम्हें, कैसे जानू, सब बढ़िया चल रहा ना घर पे। एनीवे मेरे को ये गंगू भाई अभी तक के नहीं आए यहाँ पे, सेठ के साथ सो रही होगी। गलत नहीं समझना, सेठ मेरा मालिक है, गंगू भाई उसकी बीवी का नाम है। मैं सक्कू भाई, मैं क्या बताया ना, मेरे एक रॉक स्टार के घर पे मैं काम करती, इसलिए मेरे अंदर ना बहुत सारे ये टैलेंट भर भर के आए। लेकिन ये मेरे को कोई यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करता है, मेरे को एटीट्यूड देती है मालकिन वाली। लेकिन मैंने बोल दिया एक दिन ना मैं ईट से ईट बजा दूंगी इनकी। बज गई। ए, तेरे पजामे का नाड़ा निकल गया, ये क्या हो रहा है ये? हमारे हो गया दिवाली का, हम लोग दे चुके अभी अगले हफ्ते। हाय myself Jordan. Jordan, then go to the garden. Myself Jordan, rock star. Okay, bhai, rock star. कहीं तू अर्चना के on the rocks वाला rock तो नहीं है ना? देख यहाँ पे rock star नहीं लगता, यहाँ पे joke star लगता है। चल आगे बोलना। Hello, excuse me. Are you mad? Mad? Yes, I am the maid of the house. I am the maid. एकदम morning में maid in India, रात को bed in India. मेरे को पहचाना नहीं, अरे मैं भाई, मैं वो हूँ जिसको आपने गोद में खिलाया। गोद में? तेरे को गोद में नहीं, तेरे को पूरा का पूरा गोदाउन लगेगा। Hey, you don't do this to me. Alright, you know foreplay with me. You come on, no nautanki, please tell. What nautanki? नाटक तो तब हुआ था जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई थी। He's tired. Yes, I am tired. नहीं नहीं, you tired का मतलब ये झूठ बोल रहा है। What? इसकी माँ कोई भगवान को प्यारी नहीं हुई थी, ये हमारे यहाँ के लोकल हलवाई है, भगवान दास के साथ भाग गई थी। अरे मैं चिंटू हूँ, चिंटू। अरे राम राम, मेरा बाबा चिंटू जिसको, अरे तो ये क्या हालत बना रखी, कुछ लेते क्या नहीं, क्या कर रही हो? अब मैं क्या करूंगा, मैं कब जाके तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगी, क्या बोलूंगी कि पैदा किया था लड़का, ये लड़की हो गई, ये क्या लंबे लंबे बाल सलवार कमीज पहन के घूम रही है, मूंछ वाली लड़की, मूंछ वाली लड़की। अर्चना तुम्हारी वाली, इसको लेके जाओ अपने साथ में। हाँ हाँ, तुम भी निकालो मुझे घर से, जैसे बचपन में मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला था, भूखा प्यासा। कितने दिन में कैसे काटे है मुझे मालूम है। वो तो जिंदा रखा मुझे अपने म्यूजिक ने। मैं रॉकस्टार बनना चाहता हूँ, रॉकस्टार, और इसके लिए पेन की जरूरत होती है सक्कू भाई। अरे तो पहले बोला तेरे पेन का जरूरत है, मैं देती ना पेन तेरे को, ये ले पेन, ये ले पेन। अरे सक्कू भाई, ये पेन की नहीं, दिल का दर्द, मोहब्बत, यो 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 मोहब्बत। अच्छा चिल्लाए मत, इस इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर होता तो अच्छा होता। गॉडफादर? तेरे को देख के लगता है तेरे को गॉडफादर नहीं, गॉडजिला लगेगा, गॉडजिला। सड्डा हक एथे रख, सड्डा हक एथे रख करके, सड्डा हक 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 हक, व्हाट द हक है गए, व्हाट द हक 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 यू डूइंग, यू कैन बी नो रॉकस्टार। व्हाट? आई मैं रॉकस्टार नहीं बन सकता। नो शिट, मैं रॉकस्टार नहीं बन सकता। ऐसे कौन रॉकस्टार बनते हैं? फिर कैसे बनते हैं? इसका करियर कैसे बनेगा? तेरा करियर में, मैं तेरे को रॉकस्टार बनने की ट्रेनिंग देगी। अच्छा? पक्के में? हाँ। चल ठीक है, मैं बताती तेरे को एक्चुअली में रॉकस्टार कैसे बनते, रुक जा। ओ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पता नहीं करना 10 नंबर मिल रहे हैं या नहीं। क्या कहती है अर्चना? मंत्रा, देयर इज नो कैरेक्टर जो आप नहीं कर सकती। व्हाट अ गॉर्जियस बाई यू बिकेम यार। विशाखा, एज रॉक स्टार यू वर रॉकिंग। मंत्रा, यू आर वेरी वेरी इंजॉयबल, बिकॉज आपने वो कुछ ऐसी हरकतें की विच हैव नॉट बीन सीन बिफोर, एंड दैट वॉज वेरी नाइस, वेरी। सुहेल,
आपने जो एक रॉकस्टार का किरदार निभाया है द वे यू डिड इट एंड थोड़ा सा लाउड साइड पे था मंत्रा आपने मतलब अब ये मुस्कुराहट तो देखो यार अब अभी तो फ्लोटिंग बंद कर दिया मार्क्स के लिए ग्रेट जॉब यार थैंक यू सो मच स्कोर प्लीज सुहेल 9 पॉइंट्स अर्चना 9 पॉइंट्स